जिले के शहर अकबरपुर फतेहपुर पकड़ी शहजादपुर में दबंगों ने महिला के घर में घुसकर उसके कपड़े फाड़कर बाल पकड़कर घसीटते हुए जमीन पर पटक दिया। मामला बताते चले कि संगीता पत्नी बबलू चौरसिया निवासी फतेहपुर पकड़ी शहजादपुर। संगीता ने अकबरपुर थाने पर दिए शिकायती पत्र में लिखा है कि समूह प्राइवेट मार्गदर्शक बैंक में लोन ली हुई है। पीड़िता के घर अजय द्वारा समूह का कलेक्शन किया जाता रहा। इस बीच 3 से 4 बार रुपया किस्त दिया गया, जिसका रसीद हमारे पास रखा हुआ है। उसके बावजूद बैंक मैनेजर बार बार मानसिक रूप से उत्पीड़न करता रहा। लोन का पैसा भुगतान करने के लिए 11 जून 2021 की शाम को घर पर अजय द्वारा एवं साथ में बिपिन मैनेजर शराब की कैन लेकर मोटरसाइकिल पर अपशब्दों का इस्तेमाल कर मारने की धमकी देकर चला गया। हमने उस बात को नजरअंदाज कर दिया, पिता ने बताया कि जिसका खामियाजा 12 जून 2021 को सुबह करीब 8:30 पर अपने पति और बच्चों के साथ कमरे में सो रही थी। तभी इन लोगों द्वारा दरवाजा की कुंडी तोड़कर घर में घुसकर अजय बिपिन मैनेजर एवं 15 लोगों द्वारा हमें और हमारे पति को पीटा, हमारे शरीर के कपड़े तक फाड़ डाले, नोच डाला। इसके बाद इस घटना की सूचना 112 नंबर को दी गई, मगर तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। पीड़िता संगीता के द्वारा अकबरपुर कोतवाली में शिकायत पत्र दी गई, मगर कार्रवाई न होने से पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के DGP से न्याय की गुहार लगाई। CCTV 24 न्यूज के लिए अम्बेडकर नगर जिला संवाददाता सनी वर्मा की रिपोर्ट।